अभी ये आपको जो है मेनू स्क्रीन दिखेगा, इसके अंदर आपको जो रियल टाइम वेट है वो यहाँ पे दिखेगा, एंड यहाँ पे रन का ऑप्शन है जिससे हम मशीन स्टार्ट कर सकते हैं। मोटर स्टार्टिंग के लिए अलग से जो है पुश बटन दिया हुआ है जिसको अभी मैंने प्रेस किया है, तो जैसे ही प्रेस कर रहा हूँ स्टरर चालू हो गया है। अभी हम लोग ने ये कंटेनर जो है वो लोड सेल ट्रांसड्यूसर पे रखा हुआ है जहाँ पे इसका वेइंग होगा और उसी के ऊपर उसका फिलिंग होगा। अभी हमने फुट स्विच मोड पे मशीन को रखा है, इसको हम लोग टाइमर मोड पे भी रख सकते हैं जैसा रिक्वायरमेंट रहे उस हिसाब से। अभी मैं मशीन स्टार्ट करूँगा, इससे फुट स्विच प्रेस करते ही फिलिंग स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे उसका रियल टाइम वेट दिखेगा। अभी हमने जो सेट किया है वो तकरीबन 500 ग्राम है। अभी हमने जो मशीन सेट किया है उसको फुट स्विच मोड पे सेट करके चलाया है। अभी हम उसको ऑटो टाइम डीले पे स्टार्ट करेंगे, तो मेनू में जाके मैनुअल साइकिल से हमें उसको ऑटो साइकिल पे लेना है। ये होने के बाद हमें होम स्क्रीन पे प्रेस करना है। फिलिंग तभी ही स्टार्ट होगा जब हम ये रन का जो बटन है वो प्रेस करेंगे। जैसे ही रन का बटन प्रेस करेंगे हमने जितना भी टाइम डीले रखा होगा, अभी फिलहाल हमने 4 सेकेंड का टाइम डीले रखा है, उसके बाद वो फिलिंग स्टार्ट हो जाएगा। हमें ध्यान रखना है कि हमने जितना भी टाइम डिले सेट किया है उसके दौरान हम लोग बॉटल चेंज कर लेते हैं। फिलिंग कंप्लीट होते ही हम स्टॉप का बटन दबाएंगे तो साइकिल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर दूसरी साइकिल वो रन नहीं करेगा मशीन। मशीन बंद करने के टाइम पे हमें पहले मोटर का स्विच ऑफ करना है एंड फिर ही मेन स्विच जो है उसे ऑफ करना है। अभी ये जो कंप्लीट मशीन है वो वेमेट्रिक ऑगर फिलर है, कंप्लीट SS316 कंस्ट्रक्शन फॉर कॉन्टैक्ट पार्ट एंड SS304 फॉर नॉन कॉन्टैक्ट पार्ट। फार्मास्यूटिकल, फूड ग्रेड, जिनका भी वो इंडस्ट्री में काम है वो ये यूज कर सकते हैं मशीन फॉर हाईली एक्यूरेट फिलिंग।